नमस्कार दोस्तों, का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री में। बसंत उत्सव 2021 में राजभवन गवर्नर्स हाउस में, और ये उत्सव दो दिवस उत्सव है, 13 और 14 तारीख को चलता है। पिछले वर्ष कोविड पैंडेमिक के कारण ये उत्सव नहीं हो सका था, लेकिन हर साल इसी जगह पर ये उत्सव होता है और यहाँ तरह तरह के अलग अलग प्रकार के पुष्पों की प्रदर्शनी की जाती है और उत्तराखंड से संबंधित कल्चरल खाद्यान्न और जो उनके सांस्कृतिक कपड़े होते हैं उनकी प्रदर्शनी की जाती है। तो दोस्तों, आज हम राजभवन आ चुके हैं और आज वसंत उत्सव का पहला दिन है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितनी भीड़ हो रही है। काफ़ी अधिक संख्या में लोग आ रखे हैं और यहाँ पर बहुत सारी स्कूली छात्र भी आ रखे हैं, स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, जिसमें स्कूल के छात्र और छात्राएं काफ़ी अधिक संख्या में भाग लेते हैं, आ रखे हैं यहाँ पर। और ये चेक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग होती सिक्योरिटी, उसके बाद एंट्री होती है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से एंट्री आप देख सकते हैं, एंट्री से स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ फ्लावर्स एग्जीबिशंस की, यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे दुनिया बहुत तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स लग जाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके सारे फ्लावर्स पुष्पों से रिलेटेड स्टॉल्स लगे थे, जिसमें आप फ्लावर्स खरीद सकते थे, उन्हें देख सकते थे। राइट हैंड साइड उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उत्तराखंड के कल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उत्तराखंड के जो खाद्य उत्पाद है उनके स्टॉल्स लगे थे। तो हमने इन सारे स्टॉल्स को, स्टॉल वन से लेकर सारे स्टॉल्स को एनालाइज किया, देखा उनके प्रोडक्ट्स को, हमें यूज़ करके टेस्ट भी किया। सो आज हम आज की वीडियो में आपको सारे स्टॉल्स तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे, कुछ हम आपको नेक्स्ट पार्ट की जो कल की वीडियो होगी उसमें आपको दिखाएंगे। सही दाम मिल नहीं पाते ना ऑर्गेनिक के, बाद में लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक के। यहाँ कृषि से रिलेटेड, कृषि के संबंधित उपकरण भी थे और जो भी हमारी गार्डनिंग और खेती में यूज होने वाले उपकरण थे उनके भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम उत्तराखंड की लोक चित्रकला एप्पल को बना रही हैं, अलग अलग चीज़ों में बना रही हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट्स में बेच भी रही थी और काफ़ी लोगों ने इनकी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क को अप्रिशिएट किया और ख़रीदा भी। तो ये उत्तराखंड की चित्रकला को ऐसे प्रमोट कर रही हैं और काफ़ी लोग तो जो यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उत्तराखंड की जो कल्चरल चीज़ें हैं उनके स्टॉल्स लगा रखे थे, उन्हें बेच रहे थे और काफ़ी लोगों ने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। उत्तराखंड की आर्ट वर्क के अलावा यहाँ पे अदर आर्ट वर्क, आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगे थे, पेंटिंग्स के स्टॉल्स लगे थे और वो ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो सब घर में बनाई गई थी, खुद ही लोगों ने बनाई थी और लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे और अच्छे दाम पर थे, मतलब कुछ ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, अच्छे रीजनेबल रेट्स थे। सो लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इन सब चीज़ों में। कुल्फी ब्राउन शुगर से बनी हुई है, ठंडाई अगर है तो वो पान के पत्ते से ही बनी है और बादाम से ही बनी है, ये नहीं कि एसेंस डाला हुआ है उसमें। ये आपका सोया कबाब है, ये 1 लीटर दूध के लिए है। खाने पीने के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं। अभी तो भीड़ नहीं है, स्टार्टिंग है, लेकिन बाद में यहाँ पे काफ़ी लोग जो थे वो यहीं पे इन्हीं स्टॉल्स में टिके हुए थे, काफ़ी चीज़ें खा पी रहे थे। और यहाँ पे ये सेंटेड कैंडल्स आप देख सकते हैं, सेंटेड कैंडल्स ये घर में बनाई गई है और गाँव के लोगों द्वारा या उत्तराखंड के लोगों द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पे बुरांस के जूस, जो उत्तराखंड का फेमस है, बुरांस का जूस और लीची, माल्टा
मौसमी, तो जूस यहाँ पे बहुत सारे थे, अलग अलग वैराइटीज मिलती हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे मिलती है। सो इस स्प्रिंग फेस्टिवल में आने के लिए आपको कोई एंट्री नहीं करानी पड़ती, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, लेकिन यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे जो अदर कॉम्पिटिशन होते हैं उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो हम राजभवन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे राजभवन की जो मेन बिल्डिंग है वो आपको दिख रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। राजभवन का गार्डन बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज खिंचा रहे हैं और यहीं पर ये बगल में बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है जिसके नीचे स्कूली छात्रों बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं रंगोली के पेंटिंग कॉम्पिटिशन के वो अपनी पेंटिंग्स अपने आर्ट वर्क को बना रहे हैं। और आप देखेंगे तो जो फूलों से बनाई हुई रंगोलियाँ हैं, यहाँ जो रंगोली होती है फूलों से बनाई जाती, तो फूलों की रंगोलियाँ जितनी भी थी उन सब में COVID-19 से रिलेटेड जो थीम थी वो काफ़ी प्रचलित थी। यहाँ से लोग COVID-19 की थीम पे ही अपनी रंगोलियों को बना रहे थे और बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे यहाँ पेंटिंग्स बना रहे थे, वो लोग भी अपनी पेंटिंग में गार्डनिंग से रिलेटेड या पुष्पों से रिलेटेड जो थीम थी उसी को दर्शा रहे थे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया का फ्लैग कितना खूबसूरत लग रहा है, लहरा रहा है हवा में और जो बैकग्राउंड में बैंड की जो आवाज़ आ रही है वो इस फेस्टिवल की वाइब को और खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ on the spot photography competition section and these are my entries for the photography competition. So guys tell me how is it is and I will share these photos on my Instagram account. There are so many pictures, kuch kuch to bahut hi zyada khoobsurat hai, mujhe thoda sa lag raha hai ki meri photos shayad na koi position nikal paye, lekin although I participate that's enough for me. I just want to participate in this event. So these are my entries. Hope for the best and let's go. We'll show you the other stalls here. और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फूलों से लदे हुए पूरे यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये बयां कर रहे हैं अपने आप में इस खूबसूरती को, अपने इस स्प्रिंग के फेस्टिवल को, वसंत के फेस्टिवल की खूबसूरती बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग विभागों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे स्टॉल्स बने हुए हैं जिनमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ONGC, भेल, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी उत्तराखंड देहरादून की जितनी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे फ्लावर्स की जो कॉम्पिटिशन होते हैं, बुके कॉम्पिटिशन होते हैं, फ्लावर्स के फ्लावर पॉट्स कॉम्पिटिशन होते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे सारे जो डिस्प्ले में लगे हुए ये सारे फ्लावर पॉट्स के कॉम्पिटिशन के एंट्रीज हैं। यहाँ पे मालाओं जो फूलों की माला है उनके एंट्रीज हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और भेल की और अलग अलग जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जितने प्राइवेट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट नर्सरीज हैं उनके भी यहाँ पर एंट्रीज हैं। तो आप देख पा रहे हो कितने खूबसूरत फूल हैं और इन फूलों की ताजगी के अनुसार, इन फूलों के जो अरेंजमेंट है, इन फूलों की जो रख रखाव है, इनके बेसिस पे इन सब के जो विनर्स होते हैं उनको घोषित किया जाता है और पूरी जो टीम होती है वो इन सबको, इन फूलों को एनालाइज करती है। लास्ट डे इन फूलों को फिर ये डिपार्टमेंट्स वाले गिफ्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हम बोनसाई गार्डन में, यहाँ पे बहुत सारे बोनसाई प्लांट्स लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपने प्लांट्स का लगाया गया था स्टॉल और ONGC हर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे। यहाँ आगे तक बोनसाई के प्लांट्स हैं और इस तरफ अलग अलग फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे स्टॉल्स हैं, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं प्लांट्स और वहाँ आप प्लांट्स की फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और प्लांट्स देख सकते हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ पर स्टॉल में खड़े व्यक्ति देंगे। तो चलिए हम आपको राजभवन के बोनसाई गार्डन ले चलते हैं और ये 15 अगस्त 2005 में श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसको इनॉग्रेशन किया था। तो ये है बोनसाई गार्डन राजभवन का और इसके अंदर बहुत सारे बोनसाई प्लांट्स लगे हुए हैं, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ उनको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा बोनसाई गार्डन है और इसे पूरे ग्रीन शेड से कवर किया गया ताकि इसके अच्छे से मेंटेनेंस हो सके, इसमें ज़्यादा धूप न लगे, तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स लगे उनके बारे में, उन प्लांट्स की जो फैमिली, उन प्लांट्स के जो नाम है, डिस्क्रिप्शन, वो भी अच्छे से दिया गया है।
ये राजभवन का जो गार्डन है ये पूरे वर्ष में सिर्फ 2 दिन के लिए जनरल पब्लिक के लिए सिविलियंस के लिए ओपन होता है, तो लोग इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा लोग इस समय इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं यहाँ फ्लावर्स को देखते हैं और जो स्प्रिंग की शुरुआत होती है हर साल तो उसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं, आप देखो तो सबके नाम लिखे हुए, तो इतने सारे फ्लावर्स दिखाना, प्लांट्स दिखाना काफ़ी मुश्किल है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग अगर एंजॉय करना था पूरा वीडियो देखिएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बोनसाई गार्डन है, ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं। हर साल ये वसंतोत्सव का उत्सव होता है यहाँ पर, लास्ट ईयर COVID-19 के चक्कर में नहीं हो सका था। तो चलिए अब हम आपको आर्ट गैलरी ले चलते हैं। आर्ट गैलरी का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, जिससे वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसमें आर्ट गैलरी का पार्ट शॉर्ट में दिखाया है और हमने फुल लेंथ वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्टिस्ट लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, सारी पेंटिंग्स हाथ से बनाई गई है और ये देखिए मोनाल की पेंटिंग एकदम रियलिस्टिक लग रही है। इन पेंटिंग्स को सिद्दीकी सिस्टर्स जो है उन्होंने बनाया और इनका बाहर भी एक स्टॉल लगा हुआ था तो मुझे वहाँ से जानने को मिला। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये स्टोन से बनी हुई पेंटिंग्स है, ये पत्थर जो अलग अलग शेप के पत्थर हैं इनको कलेक्ट करके इनको पेंट करके बनाया गया है। लकड़ी पे देखिए कितना खूबसूरती से चिपका कर बहुत ही खूबसूरती से क्रिएटिवली बनाया गया है। यहाँ पे आप आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी लेवल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि पत्थरों से इस तरह से पेंटिंग भी बनाई जा सकती है, इस तरह से उन्हें कलेक्ट करके उन्हें डिज़ाइन करके इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं। और ये इजिप्शियन स्टाइल की पेंटिंग है और साथ ही साथ यहाँ पे एक उत्तराखंड आर्ट कल्चर की पेंटिंग है जो मैंने आपको बाहर भी दिखाई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बॉटल्स वेस्ट बॉटल पर इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई गई लेपर्ड की, इतना अच्छा कैमोफ्लेज इफेक्ट दे रहा है कि मुझे इसको ढूंढना पड़ा कि इसमें लेपर्ड कहाँ पर है। मुझे ये बॉटल्स में जो बनाई गई पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और ये वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पत्थर का पूरा एक ब्लॉक है, इस पर हाथी की पेंटिंग बनाई गई है और इसमें टाइगर की पेंटिंग है, साथ में कुछ घास लगा के इसे ऐसा इफेक्ट दिया गया पूरा रियल लग रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये पूरा पत्थर का सिंगल पीस है जिसमें हिरन बनाया गया, एकदम रियल लग रहा है। इसी तरीके की यहाँ पर पत्थरों पर बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग थी, अलग अलग थीम पे बेस्ड थी जिनको आर्टिस्ट ने बनाया था और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत रियलिस्टिक लग रही थी। और इनको देख के ऐसा लग रहा था कि जो पत्थर हम वेस्ट फेंक देते हैं या जिन पत्थरों को कभी गौर नहीं करते तो आर्टिस्ट ने इनको कितना थॉटफुली बनाया, इनको इतने अच्छे से क्राफ्ट किया कि हमें बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कॉर्पियन के शेप में जो ये एक लोहे का फ्रेम है इसके अंदर जो पत्थरों को अरेंज किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है और इसके लिए मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा आर्टिस्ट को। ये गेम जो हम बचपन में खेलते थे किसने सोचा होगा इसकी भी ऐसी पेंटिंग मिलेगी, ये देखिए पत्थरों में इतनी अच्छी पेंटिंग मिली जो एकदम रियल लग रही है और ये कैट तो एकदम असली लग रही थी मुझे एक बारी के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो फोटो में जो कोने में पत्थर है उस पत्थर में ये डॉगी की पेंटिंग बनाई गई और ये वही डॉगी जो पेंट फोटो में खींचा गया, तो ये आप देखेंगे इस फोटो में ये डॉगी कोने में रखा हुआ पत्थर और ये रियल डॉगी, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रियल है। तो चलिए हम बर्गर खा लेते हैं, अरे ये तो बहुत भारी बर्गर है, तो पत्थर का बर्गर। तो ये पूरा स्टोन पेंटिंग का सेक्शन और यहाँ पे आर्टिस्ट ने बहुत ही थॉटफुली पत्थर्स में इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स और इतने पेंटिंग किए जिसे आप फुल वीडियो में पूरा देख सकते हैं। जब हम आपको फोटो एग्जीबिशन दिखाते तो ये हरिद्वार की जो फोटो खींची गई है और यहीं पर ये देखिए बुद्धा टेम्पल की फोटो है, FRI की फोटो है, तो यहाँ पे बहुत सारी उत्तराखंड से रिलेटेड फोटो, उत्तराखंड के आसपास की फोटो और जो उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं उस टाइप की यहाँ पे एग्जीबिशन में फोटोज लगाई गई है। आप देख रहे हो मसूरी की फोटो है, ये झंडा बाजार की फोटो है, ये मालदेवता की फोटो, यहाँ पे हम अक्सर साइकिल के जाते थे, मुझे फोटो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे बहुत सारी फोटो भी फ्लावर्स की फोटो, सेम ऐसी फोटो मैंने भी पिछली बार खींची थी एक बार, तो यहाँ पे बहुत सारी उत्तराखंड की फोटो, देहरादून फोटोग्राफी जो एक क्लब है उसकी तरफ से फोटोज बहुत सारी लगाई गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने फोटो लगाई थी जिनका नाम मैंने अपने फुल लेंथ वीडियो में मेंशन भी किया। ये शिखर फॉल की फोटो है, तो ये सारी फोटो में देखी देखी देखिए आप देखेंगे ये शिव मंदिर की फोटो है, सारी फोटो जो उत्तराखंड के आसपास की फोटो और आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छे से दिखाया। और इस फोटो में आप देख पा रहे हैं ये ऋषिकेश की फोटो है, इसमें ऋषिकेश का एरियल व्यू दिखाया है और इसमें आप इजीली देख पाएंगे इसमें लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे खींची, ये हरिद्वार की पेंटिंग है मेरे ख्याल से, कुमकी पेंटिंग थी। और यहाँ पे आप देखिए तो पेंटिंग बना रखी है, इसमें रासलीला दिखाई है, कृष्ण भगवान जी की रासलीला दर्शाई गई है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है वो भी दिखाते हैं आपको।
करके देखिए, शिव जी की पेंटिंग जो बनाई गई है ये सुनीता जी ने बनाई थी, और बहुत सारी इन्होंने वुमन बेस्ड थी, वुमन थीम पे जो उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स थे वो यहाँ पे इन्होंने लगाई थी वुमन एम्पावरमेंट की, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तो इसी तरीके की यहाँ पे बहुत सारी लार्ज साइज़ की पेंटिंग्स है। ये पूरी फोटोग्राफी एग्जीबिशन में जो यहाँ पे एग्जीबिशन थी आर्ट गैलरी, जिसमें फोटोज और साथ साथ इसमें पेंटिंग्स लगाई गई थी, सारी पोर्ट्रेट सेक्शन की पेंटिंग्स है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोर्ट्रेट बनाई गई। तो इस वीडियो में आज हम आपको इतना ही दिखा पाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसको जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हम आपको और दिखाएंगे, और ज़्यादा आर्ट वर्क दिखाएंगे, और हम आपको इसमें कल्चरल इवेंट जो वहाँ पे हुआ था कल वो भी आपको दिखाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और आप भी अगर उत्तराखंड की आर्ट और कल्चर को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।